बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित CAA के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान हुए एक विवाद में राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता और डिप्टी कलेक्टर रिया वर्मा ने कुछ भाजपा नेताओं को चाटे मार दिए थे। इसी घटना के विरोध के चलते आज यानी बुधवार को भाजपा द्वारा ब्यावरा में प्रदेशव्यापी आंदोलन रखा गया। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह भी वहां पहुंचे। इस आयोजन में प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री बद्री लाल यादव की भाषण के समय जुबान फिसल गई। उन्होंने महिला कलेक्टर को लेकर कहा कि कलेक्टर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गोद में बिठाकर पिलाती है दूध, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को मारती है चाटे। राजगढ़ में कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के साथ हुई अभद्रता को लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी पत्र लिखा है। उन्होंने महिला कलेक्टर को लेकर सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रेम से दूध पिलाती है, गोद में बिठा के दूध पिलाती है और भारतीय जनता पार्टियों के साथ चाटा मारती है, झंडा मारती है। ये बदले की भावना है। अरे ये कांग्रेस बीजेपी ये एक दो पात्र है, ये एक तरफ तो देश। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।